दिल्ली के लोगों के लिए जहां एक तरफ बारिश बड़ी मुसीबत बनी हुई है, तो वहीं डेंगू के मामलों ने लोगों के लिए एक नया संकट पैदा कर दिया है। डेंगू के बढ़ते मामलों पर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली के मेयर, मंत्रियों और एमसीडी के अधिकारियों के साथ बैठक की है और इस बैठक में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज भी शामिल हुए। बैठक में डेंगू की रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाने पर भी चर्चा हुई। हर बार बारिश की एक ही समस्या है, वो है डेंगू। जी न्यूज भी आपसे अपील करेगा कि साफ पानी भी अगर आपके घर में कहीं भरा हुआ हो तो उसको हटाएं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री शामिल हुए हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डेंगू से लड़ने के लिए एक बड़ी बैठक बुलाई है। आइए अब आपको दिल्ली के लोगों की परेशानी बढ़ाने वाली ये तस्वीरें दिखा देते हैं। दिल्ली में सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है और उसके बाद कई इलाकों में पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में भारी बारिश और बाढ़ के बाद अब डेंगू का खतरा बढ़ने लगा है। डेंगू के बढ़ते मामलों पर मुख्यमंत्री ने दिल्ली के वरिष्ठ अधिकारियों और मंत्रियों के साथ बैठक की है, तो वहीं यमुना का जलस्तर फिर बढ़ने से निचले इलाकों में पानी भरने का खतरा बढ़ गया है। यमुना का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। ये तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि दिल्ली सरकार एक्शन में नजर आ रही है, क्योंकि जगह जगह पानी भरा है, कंजक्टिवाइटिस पहले ही बहुत फैल रहा है, अब डेंगू का खतरा भी बढ़ गया है। क्योंकि आप जानते ही हैं कि जब पानी भरता है तो मच्छर और कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं।